तो भाई आप ऑस्ट्रेलिया किसी एजेंसी के हेल्प से गए या फिर आप अपने खुद से अप्लाई किया, खुद से सब चीज़ें की हैं? आशीष भाई, एजेंसी वालों का तो एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट था मेरा। मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। अब कहते हैं कि आपको पता है अपने इंडिया में क्या होता है, कि एजेंट्स के साथ कैसा होता है सारा सीन। मैंने शुरू में एजेंट्स के थ्रू साथ ही जाया जाता है यार, वरना क्यों, मेरी फैमिली में कोई, मेरे बैकग्राउंड में कहीं दूर दूर तक कोई बाहर नहीं गया था, तो हमें पता ही नहीं था कैसे जाया जाता है। मैं एजेंट्स के थ्रू ही आया था। लगा लो शुरू में किसी ने मेरा एफरा में डॉक्यूमेंट्स लगवाए थे एक एजेंट ने, फिर उनके वो आउट ऑफ द कंट्री चले गए थे, तो उनसे मतलब बात नहीं हो पा रही थी टाइमिंग की डिफरेंस की वजह से। फिर मैंने साउथ इंडिया में एक दोस्त ने एक एजेंट बताया, उनसे बात की, फिर उनको पैसे दिए, फिर उन्होंने वीज़ा वगैरह लगवा के दिया। एजेंट्स के साथ गया था। पर मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जो एफरा में फाइल लगाना होता है, एजेंट उसके पर्टिकुलर चार्ज करते हैं, वो आप खुद कर सकते हो भाई, वो आप खुद भी कर सकते हो। इतनी मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एजेंट ही करवाएगा। एजेंट आपकी मदद कहाँ कर सकते हैं, आपके वीज़ा में। वीज़ा भी भाई लगाने को आप खुद भी लगा लगा सकते सकते हो, हाँ। मतलब नॉट एनी। हाँ, पर वो होता है यार, आपको एग्जैक्टली आपको डॉक्यूमेंट्स का इतना पता नहीं। हिसाब नहीं हाँ होता जी है। जी अगर आपको कोई नोन ही नहीं है, कोई कभी बाहर आपको नहीं पता कैसे जाया जाता है कैसे नहीं, तो थोड़ा आप ये होता है, आप सिक्योर होते हो एजेंट्स से करवाने में। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप टोटल 100% किसी एक एजेंट पे भरोसा करो। और कोई एजेंट, मैं ये भी नहीं कहता कि भाई कोई खराब है या कोई सही है, सभी सही है, पर डिपेंड्स। हाँ वही आपको पता ही है क्या सीन है। हाँ हाँ तो मतलब एजेंट्स के बारे में मिक्स रिएक्शन हमें मिला है सचिन भाई से। मिक्स मिक्स रिएक्शन तो भाई ऐसा है कि देखो, मेरे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी रहे, मेरे जी जी बुरे जी एक्सपीरियंसेस भी रहे। सही बात है, सही बात। वो एक्सपीरियंस के बात है। एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है सचिन भाई। ज़्यादातर हम सुनते हैं या फिर हमें सुनने को मिलता है कि जो भी नर्सेस अब्रॉड जाते हैं या फिर इंडिया में भी, तो फीमेल नर्सेस ज़्यादा होते हैं। तो हमारे जो भाई लोग हैं, जो बॉयज़ है, वो जानना चाहते हैं कि क्या मेल्स के लिए अब्रॉड में करियर सिक्योर है नर्सिंग में? भाई अभी मैं जहाँ, मैं जब भी जाता हूँ मोस्टली जगह में नर्सेज, मेरे को सही कह रहे हो आप, फीमेल मिलते हैं। ऐसा रेशियो यहाँ पे भी है, पर इतना नहीं है एज कम्पेयर टू इंडिया। पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी किसी फॉरेन कंट्री में जॉब करने जा रहे हो, तो वो आपको जॉब देने से पहले ये नहीं देखेंगे कि आप मेल हो या सही फीमेल हो, बात, सही जहाँ तक बात। मुझे लगता है एज पर माई एक्सपीरियंस। क्योंकि नर्सिंग इज ऑल अबाउट केयर, या एंड केयर कैन बी डन बाय मेल और फीमेल। सही बात है। हाँ, एक पॉइंट होता है कि भाई आप, क्या होता है अगर आप किसी फीमेल की आप केयर कर रहे हो, तो जैसे कल्चरल डिफरेंसेस कहते हैं यहाँ जरूर पे, जरूर। कल्चरल डाइवर्सिटी है यार, मल्टी सही कल्चरल बात है, कंट्री सही है, बात है। तो उनके कल्चर में, अपने कल्चर में जैसे ऐसा होता है कि हम जो शावरिंग होती है, आप वुमेन्स प्रेफर नहीं करती है मेल करे हाँ। शावरिंग, तो उसमें आपको, आपके हेल्प कर सकते हैं जो फीमेल स्टाफ होता है जी वहाँ, वो जी आपकी हेल्प कर सकते हैं। जी ऐसा उससे ज़्यादा और कोई फर्क नहीं है, बस और बहुत अच्छा है भाई। मैं तो कहूँगा, मैंने, मेरे कई दोस्त हैं यहाँ पे जो मेल हैं और वो नर्स हैं। जी मैं अगर कोई मतलब अच्छी स्कोप है बॉयज के लिए, इट इज अ गुड प्लेस। तो जितने भी बॉयज सुन रहे हो, भाई को सुनिए, अच्छी स्कोप है। तो भाई आपने ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया? भाई मैंने मेरी बैचलर्स कंप्लीट हुई थी, मुझे अब भी याद है, 15th of September 2017 में मेरे लास्ट एग्जाम दिया था मेरा। उसके 15 दिन बाद मैंने जैसे अपने ये जो इंग्लिश टेस्ट है, आईएलटीएस, पीटी, इन सब की कोचिंग लेने के लिए 15 दिन बाद चला गया। 2nd अक्टूबर को गया था मैं चंडीगढ़। तो और मैं देख लो, 2nd अक्टूबर 2017, और मैं ऑस्ट्रेलिया सबसे पहली बार आया May 20th 2019, तो मतलब टाइम था भाई, काफ़ी टाइम लगा। वह डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में भी टाइम लगा भाई, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो टाइम तो हाँ वहाँ लगता पर है। अगर आप स्टूडेंट, हाँ भाई एक और बात कहना चाहूँगा, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो, डायरेक्ट स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो, उस पर इतना टाइम नहीं लगता है। क्योंकि आपके कोई डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करने वाला होता, आपने सीधा स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना होता है, वो इजी प्रोसेस होता है। मैं थोड़ा लंबे वाला प्रोसेस लिया था। ठीक है, सही बात है। और क्या भाई, जब आप बात करते हैं, आप जब कोई स्टूडेंट अब्रॉड जाना चाहता है, तो ऐसे भी कई लोग हैं, ऐसे भी कोई स्टूडेंट से वो पूछते हैं कि क्या बिना एग्ज़ाम, जैसे आपने कहा आईएलटीएस या फिर ओईटी या फिर पीटी, इनको जब आप अपीयर करते हो उसके बाद आप जा सकते हो, तो विदाउट एग्ज़ाम क्या कोई चांस है वर्किंग के लिए?
मैं आपको मैं आई एम नॉट श्योर रिगार्डिंग दुबई, दुबई का मुझे नहीं पता, बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं भाई जैसे यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अगर आपको कभी कोई यूं कहते हैं आपका स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, कोई भी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा को छोड़ के कोई भी वीज़ा लगवा देंगे आपका विदाउट आईलेट्स। मैंने देखे हैं भाई बहुत सारे जो एजेंट्स होते हैं वो डालते हैं विदाउट आईलेट्स, विदाउट आईलेट्स। ओके आईलेट्स के बगैर आप नहीं जा सकते हो, इंग्लिश एग्जाम इज मैंडेटरी। तो जी अगर आपको, मैं जो भी देख रहा है अगर उनको मैं ये बताना चाहूँगा, कोई आपको अगर कहता है कि विदाउट उसके जाओगे यूएस का वीजा विदाउट इंग्लिश एग्जाम, भाई दैट्स नॉट पॉसिबल। जी उसका एक रीजन भी है आशीष भाई, मैं आपको बताना जी जी चाहूंगा। अब अगर कोई आके यहाँ जॉब कर रहा है और आप समझ ही नहीं पा रहे हो सामने वाला आपको क्या कहना चाह रहा सही है, बात है। हाँ या आप अपनी बात नहीं समझा पा रहे हो सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, तो कैसे काम हो सही सकता बात है, सही बात है। है इंग्लिश। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा, मैंने लोग देखे हैं जो आ जाते हैं, मतलब उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है तो जी उनको बहुत बहुत प्रॉब्लम्स दिक्कत होती होती है। है ज़रूर। हाँ जी, तो एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए, सही बात है। ओके अब एग्जाम के बगैर अगर कोई आपको भेज रहा है समझ लो कुछ फ्रॉड है। जी जी ज़रूर ज़रूर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात आपने कही है। हाँ ओके मुझसे भी कई बार, अब जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि कितने बिना उसके भी आ सकते हैं, बिना उसके भाई कैसे आ सकते हो यार, आप ऐसी कंट्री में आ रहे हो जहाँ इंग्लिश बेसिक लैंग्वेज है, जी जी तो नॉट पॉसिबल भाई। जी सही बात है। और भाई जब आप अब्रॉड जाने को लाइक सोचते हो या फिर जॉब के लिए भी सोचते हो, अगर वहाँ जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो, तो क्या वहाँ पे अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं? जो बीएससी नर्सिंग में ग्रेजुएशन के मार्क्स होते हैं, क्या वो कंसिडर किए जाते हैं वहाँ पर? भाई ऐसे देखो, अपने शायद इंडिया में 50, अगर 100 में से 50 मार्क्स आ रहे हैं जब भी पास होते हैं नर्सिंग जी में, जी ऐसा जहाँ मैं पढ़ा हूँ जी वैसा जी वहाँ फिफ्टी था मेरी परसेंटेज वाली यूनिवर्सिटी में, 50% इज बेसिक फॉर पासिंग, या पर बाद में उसके बाद कोई मार्क्स नहीं देखता है भाई। जी आप खुद सोचो आपके 10th के मार्क्स क्या अभी कोई देखेगा, नहीं, अभी कोई 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 अपने 10th पूछता के भी नहीं मार्क्स है नहीं भाई देखता है, कोई 12th के मार्क्स आपके पूछता है, नहीं कोई कोई नहीं नहीं पूछता है। जी और जब आप जॉब करने आते हो भाई उनको कोई मैटर नहीं करता, बस आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए, जी पर उस डिग्री के साथ आपको नॉलेज होनी चाहिए। सही बात है, सही बात है। नॉलेज आपकी चेक होगी, मार्क्स यार मार्क्स अब आपकी वही है, कहने की बात है ना कि डिग्री कांट जज माई पेपर, पेपर कांट पेपर जज माई कांट फ्यूचर, वही बात है। या सही बात है। और एक और चीज़, जब आपका वर्क परमिट ख़त्म हो जाता है तो उसके लिए लाइक उसे रीअप्लाई करने के लिए और वो फिर से करने के लिए क्या कितना समय लगता है, या क्या ये पॉसिबल भी है? भाई वर्क परमिट का क्या होता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर कंट्रीज, पर ऑस्ट्रेलिया में वर्क परमिट का थोड़ा डिफरेंट सिस्टम है। जैसे जो 491 सब क्लास मैंने आपको बताई वो वर्क परमिट है, वो 5 साल का वीजा है भाई। मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता पाऊंगा, आई कांट कमेंट ऑन एनी अदर। जैसे 5 साल का वीजा है आपका यहाँ, 3 साल आपने जॉब करनी है और हर साल आपको इतनी अमाउंट कमानी है और 3 साल बाद आप पीआर हो जाता है आपका, तो आई डोंट थिंक उसके बाद आपको वर्क परमिट की कोई सोचने की बात है। अगर आपका परमानेंट रेजिडेंसी हो जाती है तो इट डजेंट मैटर आपका, अगर है चलो ऐसा होता है कि अगर आप नहीं कमा पाते हो उतने, आपके अमाउंट्स नहीं बन पाते, अगर आप नहीं होते तो आप वापस से भी अप्लाई कर सकते हो शायद, आई एम नॉट श्योर रिगार्डिंग दैट। थैंक यू भाई। एक और चीज़ भाई, ज़्यादातर जब भी हम नर्सेस यहाँ से इंडिया से वहाँ ऑस्ट्रेलिया आते हैं, तो ज़्यादातर सभी नर्सेस हॉस्पिटल्स में काम करने के लिए, हॉस्पिटल्स में एज अ नर्स वर्क करने के लिए आते हैं। तो क्या ट्यूटर जॉब्स के लिए भी वहाँ पर मतलब स्कोप्स है, मतलब इंडिया से वहाँ ट्यूटर जॉब्स के लिए भी आ सकते हैं, टीचिंग जॉब्स के लिए? ट्यूटर के लिए आ सकता, हाँ ट्यूटर हो सकता है, पर डायरेक्टली आप ट्यूटर आओगे थोड़ा डिफिकल्ट है भाई, क्योंकि आपको यहाँ कोई स्टडीज देखो, इंडिया की स्टडी बिल्कुल अलग है जी भाई जी यहाँ से, ज़रूर ज़रूर, ये तो सही है। तो आप इंडिया वाला स्टाइल अगर यहाँ पढ़ाओगे कोई बात बनती नहीं है, कोई बात ऐसे पढ़ाने वाली। जी आप यहाँ के मास्टर ऑफ नर्सिंग करते हो, मास्टर ऑफ नर्सिंग में भी क्या है यहाँ स्पेशलिटीज होती है अलग अलग, जी जी नॉट लाइक इंडिया में क्या होता है कि चार पांच अपने पांच हैं सब्जेक्ट्स हैं। मेड सर्च साइकोलॉजी, ये ऐसा नहीं है यार, यहाँ भाई फील्ड्स हैं, ओके क्रिटिकल केयर, कोई कॉम जैसे मतलब पर्टिकुलर पब्लिक कोई हेल्थ कुछ नर्स फील्ड्स जैसे। हैं, हाँ, पब्लिक हेल्थ नर्स, कुछ अलग अलग फील्ड्स होती हैं। अब उसके हिसाब से एक फील्ड होगी जो आपकी नर्सिंग की स्टडीज से रिलेटेड होगी, ताकि आप क्लिनिकल आगे ट्यूटर बन सको, अगर आपने वो स्टडी किया है तो उसके बाद आप ट्यूटर भी बन सकते हो भाई। ओके तो इंडियन डिग्री के बेसिस पर नहीं, बट ऑस्ट्रेलियन डिग्री लेना पड़ेगा फिर उसके लिए। हाँ इंडियन डिग्री के ऊपर भाई सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है, जी 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 अगर आपने इंडिया से मास्टर ऑफ नर्सिंग की है
तो आपकी सिर्फ बैचुलर्स बैचुलर्स ही वैलिड होती है जहां तक मुझे लगता है। अगर आप किसी भी ओके फॉरेन कंट्री में, जब मैं ऑस्ट्रेलिया से अगर मास्टर्स करके इंडिया जाता हूँ तो मेरी मास्टर्स वहां पे वैलिड नहीं जी है। ओनली और बैचुलर्स फ्रॉम एनी अदर एनी वन कंट्री इज वैलिड टू अनदर। अदर कंट्री हाँ ओके सही। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हाँ ये इन्फॉर्मेशन हाँ आपने जी बताई हमारे सभी स्टूडेंट्स के लिए जी। ओके और एक और चीज़ आपने बताई कि ब्रिज कोर्स जो है वो अभी फेब के बाद ये नहीं, अब ओबीए के लिए जाते हैं और उसके बाद हाँ ऑस्की भी होते हैं शायद। हाँ जी हाँ जी। ओबीए में इंक्लूडेड है भाई। ऑस्की ओबीए में पहले जैसे ओके एनक्लेक्स फिर ऑस्की, उसके अंदर इंक्लूडेड है। जी। तो भाई जैसे आपने अब तीनों भी एग्जाम्स दिए थे, आईएलटीएस दिया था, ओईटी दिया था और पीटी भी दिए हैं, तो प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स बता सकते हो आप हमारे स्टूडेंट्स को? भाई सबसे जो मैं मेरे को जो सबसे मैं आपको टिप बताऊं, तो अगर आपकी स्कूलिंग में अच्छी इंग्लिश हुई है ना, अगर आपके स्कूल के टाइम पे आपकी अच्छी जी इंग्लिश है तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्योंकि यार आप सोचने की बात है, आप ओके बैचलर ऑफ नर्सिंग करके लगभग 22 के तो हो गए, 22 to 23 ईयर्स जी आपकी एज होगी। उसके बाद आप 10th सीखोगे, कोई तुक बनता नहीं, मतलब कोई बात नहीं है यार। 10th आप कैसे, इट्स नॉट ईजी कि आप फिर 10th सीखो फिर आप जी जी लिखना सीखो। हाँ पर टिप्स मैं देना चाहूँगा सही कि जितना उसके आप अपने आसपास वालों के साथ इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश पढ़ें, इंग्लिश ओके सुने। लाइक वो कहते हैं ना, ड्रिंकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश, बाथिंग इंग्लिश, सब कुछ इंग्लिश। या ठीक है, वो वाली सीन होना चाहिए। ओके तो जी, तो प्रैक्टिस कर हाँ करके हाँ जी ही बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल तो जैसा है ना भाई कि कुछ भी करो तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एम होता है या फिर सबसे इम्पोर्टेंट उसके पीछे जो पर्पस होता है वो है हमारे पेट से होता है, मतलब सैलरी के बारे में। हाँ तो क्या आप बता सकते हो कि कितना सैलरी हो सकती है और ये सैलरी का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे बेसिस पर सैलरी होती है सैलरी आपको यहाँ भाई ऑस्ट्रेलिया में? आर्ली बेसिस पे मिलती है। सैलरी सैलरी ओके आपकी यहाँ आर्ली बेसिस पे है। मिनिमम मैं ओके आपको पे रेट कहूँ तो $25 पर आर। अगर इंडियन करेंसी में कहूँ तो ओके मैं 1200 रुपये 1 घंटे के, 1200 से 1250 रुपये ओके 1 घंटे के भाई। वो मैं मिनिमम बता रहा हूँ ओके वीक डेज में, मतलब जो सब जी जिस जी जी जिस जगह आप काम कर रहे हो एज ए नर्स, सबसे कम सैलरी अगर कोई दे रहा होगा तो वो इतनी देगा। बाकी उससे ऊपर ओके आती है तो भाई ओके 30 डॉलर्स भी पर आर होती है जगह पे, कुछ जगहों की कुछ फैसिलिटीज या ओके कुछ जगह आपको जहाँ आप जॉब कर रहे हो आपको $40 भी देंगे। ये आपके मैं वीक डेज की बता रहा जी हूँ, वीक डेज में ओके मंडे टू ओके फ्राइडे। सैटरडे में भाई आपको एक दिन के लगभग $50 भी मिलेंगे 1 घंटे के, सॉरी। और संडे में आपकी एक घंटे के $60 पर आर भी जा सकती है। ये आपकी नॉर्मल पे है। और उसमें आप अगर आप ओके इंचार्ज शिफ्ट कर रहे हो कोई, उसकी पे अगर आप इंक्लूड कर दो तो वो तो और भी अच्छी ज़्यादा पे हो जाती है। बाकी कोई एग्जैक्टली आपको ओके पे बताएगा नहीं जहाँ तक मुझे लगता है, अपने कोई बताता नहीं है, वो प्राइवेसी इश्यूज जी कह लो या कोई भी जी इश्यूज हैं। पर हाँ ये पे रेट होती है भाई। जी अगर कोई सही आपको कह रहा है कि मैं इतने कमा रहा हूँ इतने कमा रहा हूँ, तो वो डिपेंड करता है कि वो उसका एक्सपीरियंस कितना है और किस जगह पे काम कर रहा है। कई सारे पॉइंट्स के ऊपर है भाई। मतलब देख लो, आप $60 घंटे का लगा लो, आप 3000 रुपये कमा रहे हो 1 घंटे के, इंडिया के हिसाब से सही देखा बात जाए तो। अगर आप, मैं इंडियन करेंसी में बताऊं तो भाई मिनिमम आपका महीने की तनख्वाह हो जाती है अगर आप अच्छे नॉर्मल जॉब करो तो, 3 से 4 लाख रुपए मिनिमम बन जाते हैं फुल टाइम जॉब वाह वालों के ग्रेट भाई। ग्रेट जी। और ये वर्कशिप्स जो होती है जैसे जितना मैंने सुना है कि वो वीकली कुछ आवर्स आपको होते हैं, मतलब उतने हाँ आवर्स आपको वर्क करना होता है, वर्क ड्यूटी करनी होती है, तो वो कितने आवर्स होते हैं? वो अगर आप स्टूडेंट वीजा पे हो तो आप 20 आवर्स पर वीक कर सकते हो। अगर आप वर्क वीजा पे हो तो ओके आप फोर्टनाइटली 75 समथिंग आवर्स होते हैं, आई एम नॉट श्योर रिगार्डिंग दैट। कुछ फोर्टनाइट आप वो काम कर सकते हो भाई, फोर्टनाइट मतलब दो ओके हफ्तों ओके में। या तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है सैलरी के हाँ बारे में। सैलरी इज सो थैंक यू सचिन भाई। बिल्कुल हाँ, बोलिए बोलिए नहीं, बोलिए। सैलरी अच्छी है भाई, ऐसा नहीं है। देखो आप यहाँ मेहनत करते हो, आपको उसके पैसे मिलते हैं। और मैं जी आपको देखो आखिरी, अगर हम जैसे काफ़ी लंबी हो रही है वीडियो, कंक्लूड करते हुए तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जी जो भी देख रहे हैं नर्सिंग वाले आपके व्यूअर्स, हाँ, आप मैं आपसे यही पूछने वाला था कि स्टूडेंट्स के लिए, व्यूवर्स के लिए कुछ मैसेज दे हाँ दीजिए। हम अब मैं आपको भाई, मैं जब इंडिया में था या यहाँ भी कभी कभार कोई इंडिया ही बताता है तो अपने आपने भी देखा होगा नर्सेज को इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। आपने, मैं एक पॉइंट भी आपको कहना चाहूंगा, जी नहीं दी जी जाती है भाई।
ये है फैक्ट है, आप इसको एक्सेप्ट करो या ना करो, ये फैक्ट है। और अगर कोई फीमेल है तो उसको नर्सिंग के लिए थोड़ी अलग अपनी है, हर कोई अगर आप किसी को कह रहे हो नर्सिंग है तो अलग सोच होती है। और भाई मैं ये जरूर कहना जी चाहूंगा, सही वो आप अपने खुद की वजह से है भाई। अगर मैं सही सामने बात है, वाले को सही कहूँ कि बात आप मेरे से है, इज्जत से बात करो तो वो इज्जत से बात करेगा, सही ठीक है। बात है। मैं ये कहूंगा कि आपके हाथ में है रिस्पेक्ट लेना और रिस्पेक्ट देना। सही। एक ये पॉइंट, अगर आप ऑस्ट्रेलिया या किसी भी डेवलप्ड कंट्री में जाते हो, नर्सेज की भाई इतनी अच्छी रेपुटेशन है, आप किसी को यूँ कहते हो ना मैं रजिस्टर्ड नर्स हूँ, एक बार तो भाई वो खड़ा हो जाता है कि मतलब खड़ा हाँ तो मतलब क्या, एक बार तो मतलब शॉक हो जाता है कि अच्छा आप नर्स हो। मैं अगर किसी को करेक्ट, बताता हूँ मैं ये हूँ सही ये, बात। वो कहता है आपके तो बहुत बड़ी है, अच्छी पे है, अच्छी रेपुटेशन है। और ऐसा नहीं है यार कोई आपको ऐसे नहीं सही। देखता है कि अरे इसको तो कुछ नहीं पता, ये नहीं डॉक्टर से पूछे डॉक्टर, नहीं हाँ भाई डॉक्टर के बाद जो जान बचाने वाला होता है वो नर्स ही होता है। यहाँ इंडिया, अपने इंडिया में भी होता है, वही है यार, ये तो हम सही बात है। अपने इंडिया में भी होता है, पर हम खुद, अब वही है, अगर आप रिस्पेक्ट सामने वाले को कहोगे कि इफ यू वांट रिस्पेक्ट यू नीड टू टेल देम दैट गिव अस रिस्पेक्ट, देन ओनली वी कैन गिव यू या रिस्पेक्ट। ये तो नजरिए की और अपने बिहेवियर की भी हाँ बात जी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू भाई, थैंक यू सचिन भाई। और मैं सच में वेरी आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। मैंने बस एक बार पूछ लिया आपसे, एक बार कांटेक्ट किया, और आप बस लाइक आई एम रेडी टू हेल्प द स्टूडेंट्स। सो ये जो चीज़ है ना, मुझे बहुत पसंद मैं आई। भाई ये किस लिए कर रहा हूँ, ताकि जो प्रॉब्लम्स मैंने, मैं जैसे हमने शुरुआत में कह दे, शुरुआत में मैंने पॉइंट बोल देना चाहिए था कि मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियोस बनाता हूँ, मैंने नहीं, हमने नहीं बताया जी कोई जी नहीं। और आपके चैनल के लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हाँ जरूर देने हाँ वाले हाँ हैं। नहीं वो तो चलो, मैं वो किस लिए करता हूँ, जैसे कुछ छोटी छोटी वीडियो डालता हूँ ताकि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की है, जी जिन प्रॉब्लम्स के जो हर्डल्स मेरी लाइफ में थी, अगर मेरे या इस जी इंटरव्यू से या इस अपनी बात, इंटरव्यू तो छोड़ो यार अपनी कन्वर्सेशन है नॉर्मल, अगर इस कन्वर्सेशन से अपनी कोई भी किसी को भी मदद हो सकती है, 1,000 बंदे देख रहे हैं हाँ उसमें से 5 बंदों को भी अगर मदद होगी तो भाई बहुत है। यस यस, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत कुछ है। और श्योर डेफिनेटली एक तो भी बंदा लाइक हमारे भी इस चैनल से एक ही एम है कि हमें नंबर के बारे में कोई चिंता नहीं है। एक भी बंदा अगर इससे उसकी हेल्प होती है ना, तो हमारे लिए बहुत कुछ है। अब देखो, अगर मैं वो वीडियोस ना डालता होता तो आप मुझसे ना मिलते, आप मुझसे ना मिलते जी तो सही, आपके ये वाकई में सही बात है। व्यूअर्स मुझसे ना मिलते, तो बस जी किसी जी का, बस यार दुनिया में लोग आपको डाउनग्रेड करने वाले बहुत हैं, पर जितना हो सके आप हाँ वो तो सामने है। वाले या किसी की भी मदद करो, मैं तो यही कहूँगा। एक दूसरे, मेरी बहुत यस लोगों ने यस मदद किया यस भाई, बहुत ज़्यादा लोगों ने मदद की है, जिन्होंने भी किया है बहुत बहुत बढ़िया लोग थे, वो बहुत बढ़िया लोग हैं और आगे भी मेरी मदद करेंगे। और ऐसे ही मैं भी चाहता हूँ कि जो जैसा मुझे मिला है, लोगों से मदद मिली है, वैसे ही जी मैं भी कर सकूँ। ओके, थैंक यू भाई। और सही में अगर कोई भी जाना चाहता है ऑस्ट्रेलिया, सो हमारे भाई है वहाँ पे, एंड वो लाइक अगर आपके कोई भी डाउट है, वैसे तो वह भाई का अपना यूट्यूब चैनल है सचित दुहान, उनके चैनल के लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देने वाले हैं। वो आपको वहाँ से मिलेंगे, उस वहाँ से आप चैनल को चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार वीडियो है वो बनाते हैं, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, सब डिटेल सब इन्फॉर्मेशन आपको उस चैनल पर मिलेगी, और आप सचिन भाई से भी बात वहाँ पर कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच सचिन भाई, थैंक यू वेरी दैट्स मच ऑल फॉर राइट, कमिंग ऑन द चैनल ऑल गुड ब्रो, और बातचीत करने के लिए। बिल्कुल। एंड थैंक यू वेरी मच। फिर से ऐसे ही हम आगे भी जाकर और मज़ेदार वीडियो बनाएंगे आपके साथ, जरूर जरूर, और सच में स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे। सो चलिए थैंक यू वेरी मच, चलिए, थैंक यू गाइस फॉर राम वॉचिंग राम आप दिस वीडियो, सभी को, थैंक यू वेरी मिलते हैं मच। जल्दी। ओके बाय बाय बाय।